Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम बिल्कुल नए तरीके के करेले बनाएंगे, करेले और प्याज। उसके आधे किलो मेरे पास करेले हैं, 5 पीस छोटे वाली प्याज है और एक कच्चा आम है। इसमें एक तरीका ये है कि जो भी हमारे करेले हैं उनको हम छीलेंगे पहले, और छीलने का तरीका मैं दिखा देता हूँ आपको। पीलर लीजिए, करेला लीजिए, ऐसे छील लीजिए, बहुत आराम से छील जाएंगे। इस तरीके से आप करेले छील लीजिए। दूसरे वाले चाकू से छीलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी चाकू से पूरा काम हो जाएगा हमारा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल हो जाएगा। मैं बाकी करेले छील लेता हूँ पहले, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। देखिए सारे करेले हमने छील लिए, इनको काटेंगे लंबाई में, एक के 2 पीस या 4 पीस मैक्सिमम। इस तरीके से हम सारे करेले काट लेंगे। दोस्तों इसमें हम नमक मिलाएंगे, 1 स्पून नमक लीजिए और उसको सबके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। साथ में हम इसमें हल्दी मिलाएंगे जैसे इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाए, 1 स्पून हल्दी, और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनको इसी तरह से 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए जैसे आपके पास टाइम हो रख देंगे, जैसे इनमें कलर आ जाए और थोड़ी इनकी कड़वाहट कम हो जाए। हम 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने आगे की तैयारी कर ली है। एक मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है ऑनियन, बाकी के 4 पीसेस मैंने इस तरह के साइजेस में कर लिया है। हम यहां कद्दूकस कर ली है, और अब करेले वो भी 1 घंटा हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका है। इनको हम धोएंगे नहीं, इनको हम स्टीम करेंगे। अब डायरेक्ट स्टीम में डालेंगे, और स्टीम वाला प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें पानी डाल के छलनी रख दी है, स्टील की ना हो तो लोहे वाली छलनी होनी चाहिए, ऐसे आप स्टीम दे सके। ये भी ना हो तो स्टीमर अलग से आता है उसमें दीजिएगा, और इन सारे करेलों को इसी तरीके से इसमें फैला दीजिए। इनको 10 से 15 मिनट स्टीम देंगे, 10-15 मिनट में ये बहुत हेल्दी करेले बनेंगे, बहुत कम तेल में बनेंगे। अब हम इसको स्टीम दे रहे हैं, 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के देखते हैं और उनको दबा के देखेंगे। हाफ डन हो चुके हैं जैसे मुझे चाहिए थे, बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको स्टीम में से निकाल के अलग रख लेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, इसमें तेल डालेंगे, सरसों के तेल में ही बनाइएगा। छोटी वाली टेबल स्पून है, मैं 6 स्पून में डाली है मस्टर्ड ऑयल। गैस फुल कर दीजिएगा और इसे अच्छे से बर्न होने दीजिएगा। जब ये बर्न हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है हमें। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें मसाले डालेंगे, जीरा, चुटकी भर हींग, साथ में हम डालेंगे इसमें हमने जो बारीक कटी हुई प्याज थी उन्हें डाल देंगे। गैस मीडियम ही रखिएगा। उनको भूनेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाए।
देखिए हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसी पॉइंट पे इसमें हम मसाले भी डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, क्यों ऑलरेडी हल्दी डली हुई है। धनिया 2 चम्मच, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, कम ज्यादा जैसे आपको अच्छी लगे। और इसी पॉइंट पर इसमें हम यहां जो हमने कद्दूकस करी हुई थी वो मिला देंगे, ऐसे भी भूनेंगे। ये भी भून गई है, उसमें प्याज लेंगे जो हमने प्याज इस तरह से छील ली थी और मिक्स करेंगे। इसे 1 मिनट तक होने दीजिए। देखिए कितने अच्छे से हमारी प्याज भून चुकी है। इसमें अब थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक ऑलरेडी हमारे करेलों में है, आप 1/2 टीस्पून में नमक डालेंगे। साथ में देगी मिर्च मिलाएंगे कलर के लिए। हाफ टी स्पून मैंने इसमें देगी मिर्च मिला दी है। साथ में 1 स्पून शुगर डालेंगे, जो भी खट्टा है कड़वाहट है उसको कवर करने के लिए 1 स्पून शुगर डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे मत डालें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें हम करेले जो हमने बॉईल किए हुए थे वो सारे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसी पॉइंट पे हम इसमें सौंफ मिला देंगे। सौंफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक स्पून में सौंफ मिला दीजिएगा। और इसे मिक्स करें। और ढक्कन लगा के इसको 5 से 10 मिनट और रख देने से अच्छे से पक जाए। 10 मिनट तक फिर मिलते हैं। दोस्तों ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल के देखते हैं अपने करेलो। वाह कितना बढ़िया कलर आ रहा है, बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और कितने कम तेल में हमने इनको बना लिया है, हर एंगल से बहुत बढ़िया है। ये जो कहेंगे साहब हम कम तेल खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट रेसिपी है, इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।